गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन और आपदा शमन से संबंधित प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए कौन सा देश एक नई पृथ्वी प्रणाली वेधशाला तैयार कर रहा है? ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, रसिया, चाइना, इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा जलवायु परिवर्तन और आपदा शमन से संबंधित प्रयासों को कम करने के लिए पृथ्वी प्रणाली वेधशाला नामक एक नई प्रणाली विकसित कर रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने एक आभासी सम्मेलन में भाग लेने वाले इम्पोस्टर का पता लगाने के लिए एक अद्वितीय डिटेक्टर फेक बस्टर विकसित किया है? हमारे ऑप्शन हैं आईआईटी दिल्ली एंड मोनास यूनिवर्सिटी, आईआईटी बॉम्बे एंड मोनास यूनिवर्सिटी, आईआईटी पलक्कड़ एंड मोनास यूनिवर्सिटी, आईआईटी मद्रास एंड मोनास यूनिवर्सिटी, आईआईटी रोपर एंड मोनास यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, आईआईटी रोपर एंड मोनास यूनिवर्सिटी। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रोपड़ और मोनास विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने किसी की जानकारी के बिना एक आभासी सम्मेलन में भाग लेने वाले इम्पोस्टरों की पहचान करने के लिए फेक बस्टन नाम से एक डिटेक्टर विकसित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्नल पंजाब सिंह का हाल ही में निधन हो गया था, निम्नलिखित ऑपरेशन में से कौन सा कर्नल पंजाब सिंह से संबंधित है? ऑप्शन है ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन कैक्टस लिली, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू मून, ऑपरेशन युद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन बी, ऑप्शन बी ऑपरेशन कैक्टस लिली। कर्नल पंजाब सिंह जो 1971 युद्ध के दौरान एक प्रमुख अर्थात मेजर थे, को ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान उनकी बहादुरी के लिए वीर चक्र प्राप्त हुआ, जब उनकी कमांड ने 2 रातों में 9 पाकिस्तानी हमलों का पीछा छोड़ दिया को पीछे छोड़ दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र ने कोविड-19 महामारी के बीच एशियाई विरोधी घृणा अपराधों में वृद्धि का मुकाबला करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? हमारे ऑप्शन हैं यूएसए, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका के सदन में 18 मई 2021 को कोविड-19 महामारी के बीच एशियाई विरोधी घृणा अपराधों में वृद्धि का मुकाबला करने के लिए विधेयक पारित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र ने हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता अमृता सेन को सामाजिक विज्ञान में अपने शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन है डेनमार्क, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेन। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमृता सेन को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन की शीर्ष प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह जानकारी स्पेनिश प्राइज फाउंडेशन द्वारा दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पुतनिक वी वैक्सीन
जून जून के दूसरे सप्ताह से भारत में किस अस्पताल समूह द्वारा शुरू की जाएगी? हमारे ऑप्शन हैं अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, हिंदुजा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपोलो। अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ने घोषणा की है कि वह जून के दूसरे सप्ताह से भारत के अपने अस्पतालों में रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी का रोल आउट 1195 रुपये प्रति खुराक के अनुमानित मूल्य पर शुरू करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने उद्यमिता, शिक्षा और महिलाओं की भलाई को बढ़ावा देने के लिए SHE लॉन्च किया है? ऑप्शन है एयरटेल, रिलायंस, विप्रो, टाटा कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन ने सतत विकास के लिए शिक्षा पर 2021 यूनेस्को विश्व सम्मेलन में स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट SHE के शुभारंभ की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी LDA के गठन के लिए तैयार मसौदे का विरोध कर रहे हैं? ऑप्शन है लद्दाख, गोवा, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण के निर्माण के लिए नवीनतम मसौदे लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियम 2021 को लक्षद्वीप के लोगों द्वारा व्यापक रूप से नाराजगी व्यक्त की गई है। स्मार्ट विंडो के लिए सामग्री किसने विकसित की है? ऑप्शन है डॉक्टर देवबत्रा सिकदर, आशीष कुमार चौधरी, डॉक्टर राहुल देव, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। IIT गुवाहाटी के आशीष कुमार चौधरी के साथ देवबत्र सिकंदर ने एक स्मार्ट विंडो मटेरियल तैयार किया है जो अप्लाइड वोल्टेज के जवाब में इसके माध्यम से गुजरने वाली गर्मी और प्रकाश की मात्रा को प्रभावित ढंग से नियंत्रित कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू करने का फैसला किया है? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू करने का फैसला किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विश्वास नांगरे पाटिल, अमूल्य पटनायक, सुबोध कुमार जायसवाल, अनिल देशमुख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुबोध कुमार जायसवाल। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई पृथ्वी प्रणाली वेधशाला के विकास के लिए निशान नामक रडार किस देश द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी साउथ कोरिया, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया। नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ भी भागीदारी की है जो नासा इसरो सिंथेटिक अपचर रडार
निसार उपलब्ध कराएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका ने रोने आइस शेल्फ से दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूट गया है, उसके हिमखंड को क्या नाम दिया गया है। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 76, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 90। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 76। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अंटार्कटिका के वैलिड सागर में दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड की खोज की गई है। इस हिमखंड का नाम A76 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइपर एक मोबाइल रोबोट है, चंद्रमा का पता लगाने के लिए किस देश द्वारा शुरू करने की योजना बनाई गई है। हमारे ऑप्शन हैं USA, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। इट विल एक्सप्लोर द मून। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर और नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की तलाश में देर से 2023 में ध्रुवीय अन्वेषण रोवर की जांच करने वाले अपने पहले मोबाइल रोबोट वोलेटाइल्स को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई है। द US स्पेस एजेंसी नासा हैज़ प्लान टू सेंड इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर टू द मून एट इन लेट 2023 इन सर्च ऑफ आइस एंड अदर रिसोर्सेज ऑन एंड बिलो द लूनार सरफेस। तो ये थे अब तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।